हेलो गाइस, क्या आपका लैपटॉप भी बार बार आने वाले विंडोज़ अपडेट से स्लो हो गया है? तो चलिए आज हम सोल्यूशन देखते हैं इसका। वैसे तो बहुत सारी वजह होती हैं किसी लैपटॉप या कंप्यूटर के स्लो होने की, लेकिन दूसरी वजहों को छोड़ते हुए आज हम केवल एक मुद्दे पे बात करेंगे जिसकी वजह से लैपटॉप या कंप्यूटर स्लो होता है, जिसे हम बोलते हैं विंडोज़ अपडेट। इस विंडोज़ अपडेट की वजह से अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पर एक ब्लू कलर की स्क्रीन आती है, जिस पर हम लोग देखते हैं कि लिखा होता है कॉन्फ़िगरिंग विंडोज़ अपडेट, डोंट टर्न ऑफ योर कंप्यूटर। ये अक्सर ऑन करते समय या ऑफ़ करते समय हमें ये स्क्रीन हमें देखने को मिल जाती है। अच्छा, लैपटॉप स्टार्ट भी हो जाता है तो उसके बाद भी क्या प्रॉब्लम आती है कि लैपटॉप हमारा बहुत ज़्यादा लैग करता है, हम कोई वर्क कर नहीं पाते क्योंकि बैकग्राउंड में विंडोज़ की अपडेट्स चल रही होती हैं, वो इंस्टॉल हो रही होती हैं। तो हम इन अपडेट्स को बंद कर सकते हैं। आज हम इसका सोल्यूशन देखेंगे, जो कि 100% सोल्यूशन आपको दूंगा मैं इसका। देखते हैं कैसे हम इसको बंद कर सकते हैं और सेम प्रोसेस से हम इसे दोबारा ऑन भी कर सकते हैं बाद में। तो चलिए देखते हैं हाउ टू स्टॉप विंडोज़ अपडेट। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, जो सर्च बार है विंडोज़ के अपडेट पे, वहाँ पे आते हैं। सर्च बार पे हम टाइप करना है रन। रन कमांड टाइप करेंगे, RUN। उसको टाइप करने के बाद हम लोग एंटर करेंगे। एंटर करते ही हम लोगों को रन कमांड ओपन हो जाएगी। वहाँ पे हमें टाइप करना है services.msc। ओके करेंगे। टाइप करने के बाद तो हमें एक पॉपअप विंडो मिल जाएगी जिस पर बहुत सारे विंडोज़ की अपडेट सर्विसेज हमें दिखाई देंगी। यहाँ पर हमें सर्च करना है विंडोज़ अपडेट नाम की सर्विस को। देखिए ये मिल गई। इसको ऑन करने के बाद हमें फर्स्ट हमारा टास्क है इसको स्टॉप करना। इसको स्टॉप करेंगे। इसको स्टॉप करने के बाद जब ये स्टॉप हो जाएगी हमें इसे डिसेबल करना है, और डिसेबल करने के बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हमें रिकवरी ऑप्शन पे ऊपर से जाना है। यहाँ से हमें जाने के बाद फर्स्ट फेलियर और सेकंड फेलियर दोनों पे टेक नो एक्शन करना है, क्योंकि अक्सर ये जब नहीं रन हो पाती है तो दोबारा रिस्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से हमें परमानेंटली इसे डिसेबल करना है, अप्लाई एंड ओके करना है। बस हमारा टास्क कम्प्लीट हो गया। इस तरह से हम इसे बंद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।